सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण की। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, गांधीवादियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि गांधी तो अपने आप में खजाना है, जितना लूट सको उतना लूट लो, जितना लूटोगे उतना ही समाज और देश का भला होगा। जब गांधी जी से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूं तब मैं बैकबेंचर हुआ करता था, जब सांसद बन गया तब मुझे कुमार प्रशांत को अपना परिचय देना पड़ा। मैंने गांधी को ज्यादा नहीं पढ़ा, गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ प्रयोग जरूर पढ़ी है, कई किताबों के 5 से 7 पेज ही पढ़ता था, लेकिन उनको आत्मसात करना जरूरी था। नेल्सन मंडेला का नाम तो सबने सुना होगा, 27 साल जेल में बंद रहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां भी अश्वेतों का ही प्रॉब्लम थी। तो जो गांधी जी गए थे अफ्रीका में, तब भी वो काले गोरे का भेद मिटाने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। तो गांधी को मैं मानता हूँ, गांधी प्रशांत कुमार प्रशांत जी मुझे सहमत होंगे, इतना बड़ा खजाना है गांधी अपने आप के अंदर, खजाना है, जितना लूट सको जो लूट लो, और जितना लूट लोगे उतना ही समाज का भी, देश का भी, खुद का भी सबका भला होगा, इतना बड़ा खजाना है। जो माहौल देश के अंदर है वो एक चुनौती है, इसलिए गांधी आज भी इतनी प्रासंगिक है, उस वक्त थे उससे ज्यादा प्रासंगिक आज है गांधी। उसी रूप में क्योंकि मैं बचपन से ये मेरे कुछ संस्कार बने हैं, और कुमार प्रशांत जी तो उस वक्त में भी हमारी मीटिंग में बहुत एक्टिव रहा करते थे, और मैं बैक बेंच था, सबसे पीछे बैठने वाला था, ना मुझे बोलना आता था, खाली में सुनता था, और ये लोग डिस्कशन भाग लेते थे नानमय देसाई जी के साथ में। उस श्रेणी में हमारे कुमार प्रशांत जी थे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए करीब 800 के करीब पुस्तकालय थे, उनको बढ़ा के 14,000 कर रहे हैं, और चाहेंगे गांव गांव में धीरे धीरे। एक बार मैंने पहले प्रयोग किया था, जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री था, तब हमने हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोले थे, गांधी पुस्तकालय खोले थे। तो सरकार और एनजीओ मिलकर के बड़े रूप में हम लोग चाहेंगे कि बच्चे, लाखों बच्चे जुड़े, और किताबें हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री के अंदर सरकारी खर्चे पे, और वो परीक्षा हम सबकी करवा रहे हैं। और उसके साथ में शर्त रखी है, अब जो भविष्य में छात्रवृत्ति और जो मेरिट आधारित जो और सुविधाएं मिलती है, तो थोड़ा हमने प्रयास किया ये कहने का कि जो बच्चे सर्वोदय विचार परीक्षा पास करेंगे उन्हीं को ये मिलेगी। लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की, और उसके बाद अफ्रीका में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, और किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट रहते हुए उनको जब वहां से धकेला गया, तो उनके जीवन में एक नया विचार आकर के उन्होंने क्रांति की ओर अपने आप को अग्रसर किया। जब वे भारत में आए तो भारत के मेलों में, सारे देश में घूम घूम कर उन्होंने जनजीवन को देखा, और उसके बाद में स्वाधीनता आंदोलन में अपने आप को धकेल दिया। और मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, तो मुख्य रूप से दांडी यात्रा जो है वो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। अक्टूबर 2019 को देश ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में अनेकों जगह कार्यक्रम हुए, और आज भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की थी कि पूरे साल हमें जो है महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी के बताए हुए कार्यक्रमों को जनता में प्रचारित करना है, ताकि जनता को पता लगे कि किस प्रकार से इस देश को आजादी, और किन किन किस तरीके से जो है इसको आजादी दिलाई गई। तो मैं गांधी जी के बाद में
ये शिक्षक जो जिन्होंने गांधी जी की मूर्ति बनाई रामकृष्ण अड़िग, उनको धन्यवाद देता हूँ।